नमस्कार दोस्तों, स्किल इंडिया के चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग मेरे प्रिय स्टूडियो अच्छे लगे होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हो तो प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली जो वीडियो है उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आईटीआई एग्जाम पैटर्न 2018-19। दोस्तों, शायद आपको पता होगा कि जो डीजीटी है, डीजीटी ने जो है आईटीआई का जो एग्जाम पैटर्न है 2018-19 में काफी बदलाव किए हैं। जानते हैं इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। पहला बदलाव है दोस्तों कि जो इसमें ईयरली एग्जाम होगी, जो पहले सेमेस्टर प्रणाली से जो एग्जाम होती थी, अब जो एग्जाम होगी वो ईयरली पैटर्न के अनुसार होगी। मतलब जो पहले सेमेस्टर होता था उस सेमेस्टर के स्थान पर क्या होगा, जो एग्जाम होगी हमारे ईयरली होगी। दूसरा टॉपिक ये दोस्तों कि एग्जाम जो पहले जो एग्जाम होती थी वो होती थी आपकी मई और जून में। जैसे आप पहले सेमेस्टर प्रणाली में जो एग्जाम देते थे उसका जो चलता था वो मई जून में चलता था, जो सेशन चलता था। बट अभी जो है वो दोस्तों जो सेमेस्टर का हटा के जो ईयरली पैटर्न लागू किया उसी जगह जो आपका ये चलेगा पैटर्न चलेगा वो चलेगा आपका जुलाई का। और दोस्तों, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो आपकी एग्जाम होगी वो सभी पेपर आपके लगभग ऑनलाइन होंगे और सभी में आपको ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा। तो बात करते हैं अब सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैक्सिमम मार्क और पासिंग मार्क। अब डीजीटी में यहाँ पे भी बहुत बदलाव किया है। जैसे आपने देखा होगा कि पहले जो थ्योरी का पेपर रहता था आपका ट्रेड थ्योरी, ट्रेड थ्योरी मतलब दोस्तों जो किसी भी ट्रेड का हो सकता है, चाहे मेटल का, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक, टर्नर, कोई भी ट्रेड का एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम ट्रेड थ्योरी कहते हैं। जो पहले ट्रेड थ्योरी का जो सब्जेक्ट होता था वो दूसरा नंबर का होता था। बट अभी जो दोस्तों नए डीजीटी के जो नया एग्जाम पैटर्न है 2018-19 के अकॉर्डिंग जो हमारा ट्रेड थ्योरी का जो पेपर होगा वो होगा आपका 100 नंबर का होगा। उसमें जो आपको पासिंग नंबर लगेंगे वो 33 नंबर। मतलब सीधा सीधा बात यह है कि आपका जो पेपर है 100 नंबर का है और आपको जो पासिंग नंबर लगेगी वो लगेंगे उसका 100 का 33%। तो जो पासिंग मार्क लगेगा आपको ट्रेड थ्योरी में वो लगेंगे 33%। दूसरा आपका एक सब्जेक्ट होता था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो जो दोस्तों ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो पेपर है वो आएगा आपको 50 नंबर का और उसमें भी आपको पासिंग मार्क्स लगेंगे वो लगेंगे आपको 70। तीसरा पेपर है आपका डब्ल्यूएस का, जिसको अपन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस कहते हैं। ये भी जो पेपर होगा आपका 50 नंबर का होगा और इसमें भी पासिंग नंबर आपको 17 नंबर लगेंगे। अगला पेपर की ओर बढ़ते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी जो पेपर होगा दोस्तों आपका होगा वो 50 नंबर का पूरा पूरा और उसमें भी आपको पासिंग नंबर लगेंगे वो लगेंगे 17 नंबर। तो कुल मिला के दोस्तों जो आपका पहला ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, डब्ल्यूएस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये चार पेपर में आपको 33% पासिंग नंबर लाना पड़ेगा। बात करते हैं हमारा नेक्स्ट है ट्रेड प्रैक्टिकल। तो दोस्तों जो ट्रेड प्रैक्टिकल जो है वो होगा दोस्तों 250 नंबर का। जो आपका प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होती है, वो 250 नंबर का होगा और उसमें आपको पासिंग नंबर लगेंगे दोस्तों 150। उसके बाद असाइनमेंट होता है। असाइनमेंट मतलब जो आप कॉलेज में बनाते हैं हर सब्जेक्ट का, उसको आपकी टीओ द्वारा चेक किया जाता है, उसमें आपको नंबर दिया जाता है। तो दोस्तों जो असाइनमेंट होगा वो मैक्सिमम 200 नंबर का होगा और पासिंग मार्क उसमें लगेंगे आपको 120। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका ट्रेड प्रैक्टिकल और असाइनमेंट, इसमें आपको पास होने के लिए कम से कम 60% मार्क होना चाहिए। तो कुल मिला के दोस्तों जो आपका टोटल जो होता है वो होता है 700 नंबर का आपका पूरा या सिलेबस हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपका पेपर आएगा। और दोस्तों एक यहाँ पे और एक चीज की गई है डीजीटी में, मतलब क्या है, जो बेस मार्क्स जो है वो बेस मार्क आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। मतलब 6 मार्क्स आपको किसी भी सब्जेक्ट में लग गए तो आपको उसमें वो 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों डीजीटी ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, तो ये स्टूडेंट के लिए अच्छा भी है। कोई माइनस मार्किंग नहीं रहेगी एग्जाम में, साथ साथ में कोई माइनस मार्किंग नहीं रहेगी। और दोस्तों पहले क्या होता था, ट्रेड थ्योरी में हमें जो पास होने के लिए 40% नंबर लगते थे, बट यहाँ पे भी उसने बदलाव कर दिया, यहाँ पे भी आपको 33% नंबर लगेंगे। और ओवरऑल दोस्तों इस बार आप यदि आईटीआई एडमिशन लिए हैं आपने तो आपका परसेंटेज काफी अच्छा बनेगा, बेटर नहीं है, ऐसा नहीं कि आप इसमें ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज बना सकते हैं। खास करके दोस्तों एक आपका ट्रेड प्रैक्टिकल और असाइनमेंट, यदि आप इसमें अच्छे नंबर लाते हैं तो अपने आप आपका परसेंटेज ग्रोथ कर लेगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा बनेगा। इस प्रकार से डीजीटी ने अपने एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया। दोस्तों ये जो बदलाव है ये कब से लागू होगा, तो दोस्तों जो बदलाव है डीजीटी ने किया है ये लागू होगा 2018 अगस्त सितंबर में, अगस्त सितंबर 2018 में जो स्टूडेंट ने या स्टूडेंट ने आईटीआई में एडमिशन लिया है उसके लिए एग्जाम पैटर्न लागू होगा। इसके पहले वाले स्टूडेंट के लिए एग्जाम पैटर्न जो रहेगा पुराना रहेगा।
अभी जो 2018-19 में जिस स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है उनके लिए सेम ये पैटर्न लागू रहेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।